हेलो गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के धाम पे पूरी फैमिली के साथ, और मेरी ट्रेन है 9:15 की। तो अभी मैं घर पे आया हूँ क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। अभी मैं घर पे आया हूँ, टैक्सी बुक मैंने कर ली है। अभी कपड़े चेंज करते हैं और फिर चलते हैं, और पूरा व्लॉग देखना आखिरी तक, और बाकी जब टैक्सी आ जाएगी तो जब पूरा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो गाइस, अब हमारी टैक्सी आ चुकी है बाहर। अब हम टैक्सी में बैठते हैं और रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। अब टाइम बहुत देर हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और हमारी 9:15 की ट्रेन है। पता नहीं टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना माता वैष्णो देवी का। तो टैक्सी आ चुकी है हमारी, अब पूरे घर वाले को बैठने दो पहले, फिर मैं बैठता हूँ, फिर हम रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं। चलो गाइस, हम सभी लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। अब हम रेलवे स्टेशन की ओर चल रहे हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हमें पहुँचना है। टाइम हो चुका है 8:15 और हमें 9:15 तक हमें पहुँचना है। और दिल्ली में जो ट्रैफिक दिख रहा है ना, पता नहीं टाइम पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ट्रेन मिस ना हो जाए, बस यही इसी चीज़ का डर लग रहा है। अब देखो क्या होता है। तो गाइस, अब हम हाईवे पर पहुँच चुके हैं। रास्ते में इतना ट्रैफिक था पूछो मत, 8:40 हो चुके हैं। अब पता नहीं कितनी देर और लगेगी, बस हाईवे पे जाम ना हो। जिस हिसाब से हाईवे पे ट्रैफिक दिख रहा है ना, मुझे लग रहा पक्का हमें लेट हो ही जाएगा। देख रहे हो जान, तो गाइस हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर जल्दी पहुंचते हैं स्टेशन की ओर। गाइस, अब हम टैक्सी से उतर चुके हैं, अब जल्दी चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर अंदर की साइड। टैक्सी वाले ने हमें बाहर ही उतार दिया, बोला पार्किंग के चार्जेस लगते हैं, इसलिए हम बाहर ही उतर गए हैं। अब रेलवे स्टेशन की ओर पहुँचते हैं। गाइस, अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। भाई बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं ट्रेन निकले। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, अब हम पुल पे चल रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म नंबर 5 ढूंढ रहे हैं जिस पे हमारी ट्रेन आएगी। अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, अब हमारी ट्रेन आएगी। अब ये कब कितनी डिले है पता नहीं, तो चलो बैठते हैं ट्रेन में, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे। अभी मेरे घर वाले अपनी सीट देख रहे हैं कि कौन सा किसका नंबर कहाँ पे है। जब ट्रेन चलेगी तो बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो जितने सीट नंबर देख लेते हैं घर वालों का। तो गाइस, इतनी देर इंतज़ार करने के बाद अब ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन का नाम है झेलम एक्सप्रेस। अभी मैं अपने घर वालों से आपको दिखवाता हूँ। मेरे पापा ही, मेरी बहन थी, मेरे मेंग भाई है, ये मेरी मम्मी है, और ये बगल में मेरी दादी है, और ये भान न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को हम क्रॉस करके जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हमें थोड़ी सी भूख लगी है, तो सोचे कुछ खा पी लें। तो अभी मम्मी जो लाई है उसको हम खा लेते हैं। अभी खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी बनी है वो खाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेशन में पहुंच चुके हैं, हम सब ने खाना खा लिया है। अभी मेरे घर वाले खा के सो रहे हैं, मेरे पापा तो लेट चुके हैं ऊपर जाके। ये मेरी मम्मी है, ऊपर मेरे पापा ही, मेरी दादी, मेरे भाई वहाँ पे पसर चुके हैं, ये मेरी बहन है, और मैं बगल में बैठा हुआ हूँ। अब मैं पूरी रात जगूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रेन में नींद नहीं आती है। अभी तो 3rd स्टेशन आ चुका है, अभी देखते हैं कितने घंटे लगेंगे। मेरे घर वाले तो सभी लेट के सो चुके हैं, बस मैं ही अकेला उठा हुआ हूँ। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, कितनी देर नहीं, तो पूरा व्लॉग आगे तक कंटिन्यू करना। ओके, आगे व्लॉग दिखाऊंगा जब सुबह हो जाएगी बाकी। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 4:30, और मेरे घर वालों में से मेरे पापा, मम्मी और दादी उठ चुके हैं। अभी मेरे पापा सो के उठे हैं, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं क्योंकि उनको फ्रेश होने जा रहा है। उन्होंने 2 से 3 बोतलें खाली कर दी है पानी की, पी पी के। अभी बाकी तो सारे घर में सो रखे हैं, बस मेरी मम्मी और दादी जागी हुई है। और 4:30 हो रखे हैं, अभी भी अंधेरा है, पता नहीं कितने बजे दिन होगा। तो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 हो रखे हैं और मेरे पापा फ्रेश हो गए, बाकी चले गए सोने। और अभी नज़ारों के मज़े लेना, मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा दिन में, तो पूरा ही मज़ेदार व्लॉग होगा। तो पूरा व्लॉग देखना स्टार्टिंग से एंड तक का। अभी आप सभी लोग व्यू के मज़े लो और मैं अभी व्यू के मज़े लेता हूँ। Thank you.
गुड मॉर्निंग, ठीक है, जीते रहो, खुश रहो। अभी नींद में है, नींद नहीं। गाइस अभी हम लास्ट स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अब हमें इसी स्टेशन पे उतरना है। स्टेशन का नाम है जम्मू तवी और अभी हम ट्रेन से उतरते हैं और बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस मेरे घर वाले उतर चुके हैं और अब मैं भी उतर रहा हूँ ट्रेन से, अब बाहर चलते हैं चलो। तो गाइस अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर उस आगे बस पकड़ते हैं। गाइस मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन से बाहर, अब बस स्टैंड क्यों निकलते हैं, चलो चलते हैं बस स्टैंड। तो गाइस अभी मैं बस स्टैंड के लिए निकल चुका हूँ, हमें बस पकड़नी है कटरा की, तो चलो बस स्टैंड चलते हैं और कटरा की बस पकड़ते हैं। तो गाइस ये है हमारी बस जो हमें कटरा लेके जाएगी, चलो बस में बैठते हैं, फिर बस के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, अब ये बस थोड़ी देर में चलती है और हमें जाना है कटरा की ओर, तो चलो कटरा चलते हैं और रास्ते में आपको नज़ारे दिखाता हूँ कैसे कैसे होंगे। तो गाइस थोड़ी सी दूर रह गया है बस, हम कटरा पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में हम कटरा में पहुंच जाएंगे और यहाँ के नज़ारे देखो, सामने की तरफ पहाड़ दिख रहा होगा और अभी हम ढाबे की तरफ चलते हैं, कुछ खा लेते हैं फिर आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं, चलो चलते हैं। गाइस यहाँ के नज़ारे देखो, ये देखो लोगों ने यहाँ तक भी गंदगी कर रखी है यार, इस जगह को तो छोड़ दो यार, कितनी खूबसूरत जगह है यार, यहाँ के लोगों ने तो यार यहाँ पे भी गंदगी फैला रखी है, पता नहीं कैसे लोग हैं यार, सफाई तो कर दिया करो। चलो नज़ारे के मजे लो गाइस, वैसे जगह बड़ी अच्छी है यार, बड़ी खूबसूरत है। तो गाइस पुलिस वालों ने हमारी बस रुकवा ली थी क्योंकि यहाँ पे सभी पुरुषों की चेकिंग होती है, तो अभी हमने चेकिंग करवाई है और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ कटरा की तरफ, पता नहीं किस बात की चेकिंग हुई थी, बस चेकिंग करवाई थी सिर्फ लड़कों लड़कों की होगी। तो गाइस कटरा यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर रहता है, तो चलो कटरा पहुँचते हैं और आगे पहाड़ दिखाते हैं आपको। गाइस कटरा पहुंच चुके हैं, बस टर्मिनल पे पहुंचने वाले हैं और फिर बस से उतरते हैं और फिर बाहर चलते हैं। तो गाइस बस टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं हम सभी लोग और बाहर सामने पहाड़ देखो, अभी लोग धीरे धीरे करके उतर रहे हैं, तो मैं सबसे सोच रहा हूँ सबसे आखिरी में उतरूँ भाई, हमें वहाँ माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, हमें वहीं उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है, चलो भाई उतर उतर। गाइस बस से मैं उतर चुका हूँ, ये मेरे भाई हैं सामने की तरफ और मेरे पापा पीछे दादी आ रहे हैं,
तो अभी हम कमरा बुक करते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर चढ़ाई स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। माता वैष्णो देवी की जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा अगले ब्लॉग में। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब को करना, लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको। आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।